किसानों के मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष ने सभा त्याग कर विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में खास बातचीत की है कांग्रेस नेता नाना पटोले इनसे। आइए डालते हैं एक नजर इस बातचीत पर। विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर जो है आक्रामक दिखाई दे रहा है, आज आपने सभा त्याग किया है किसानों के मुद्दे को लेकर, क्या बताओ? देखो, भयानक परिस्थिति है महाराष्ट्र में। किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं और उसको न्याय देने की भूमिका हमने कांग्रेस पार्टी ने की, और बीजेपी प्रणीत जो सरकार है वो किसानों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए ऐसे किसान विरोधी सरकार का हमने निषेध किया है। कल भी हंगामेदार एंट्री रही महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं की, आज भी विपक्ष जो है आक्रामक दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को आप लगातार सभागृह में ले रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है आपको उस तरह के उत्तर या उस तरह की आपकी चर्चा नहीं हो पाई। विरोधी किसान विरोधी सरकार है, हम इसको घेरेंगे और सरकार से किसानों को न्याय मिला के नहीं। सुरजागढ़ प्रकल्प पे भी जानबूझकर ऐसा कहा जा रहा है कि बंदी जो है लाई गई है, इस पर आप क्या बताओ? बंदी ला गई है? नहीं नहीं नहीं, हम अभी पता नहीं, उसका डिटेल मुझे दे दो तो हम रखेंगे। और उसमें बंदी किस आधार की, नक्सलवादियों को मदद कर रहे थे क्या, किस आधार पे बंदी किया, मेरे को वो थोड़ा मालूम दीजिए तो हम बिल्कुल सुरजागढ़ का इशू उठाएंगे। तो हमारे साथ थे नाना पटोले जी, उन्होंने जिस तरह से आज जो है विपक्ष ने सभा त्याग किया है, विरोधी सत्ता पक्ष जो है सरकार जो है किसान विरोधी है ऐसा कहते हुए सभा त्याग उन्होंने किया है, और बताया है कि किसानों के मुद्दे को जो है यहाँ जो है समझा नहीं जा रहा है, ये सरकार जो है किसान विरोधी है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।